What is up guys, welcome back to another video and भाई यार इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2023 का आपका मॉडल खड़ा हुआ है भाई i20 खड़ी हुई है टॉप मॉडल मतलब निल्ले पे जो बिल्कुल टॉप होता है ना आपका भाई ना बेस ना बीच का ना आपका कुछ भाई इसके अंदर बिल्कुल स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी आस्था भी नहीं है उससे भी ऊपर वाला मॉडल है आपका इसको कहते हैं भाई हम आस्था ऑप्शनल 1.2 पेट्रोल के अंदर खड़ी हुई है बड़ी शानदार लगती है मतलब यार आस्था और आस्था ऑप्शनल में ना एका दुक्का चेंज है आपको क्या मिलता है ना एक इसके अंदर आपकी बड़ी स्क्रीन आ जाती है जो आपकी 10.1 इंचेस वाली जो स्क्रीन है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा क्या फ़र्क पड़ता है इसके आपके 6 एयरबैग्स आ जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन आ जाता है आपका एंड एक चीज़ और है जिसका फ़र्क इसके अंदर पड़ जाता है। तो यार पूरी बात करते हैं क्या चीज़ कैसे चाबी मेरे पास है गाड़ी की हम देखते हैं भाई चाबी के अंदर क्या लगा आपका इसको दबाते हो भाई आपकी गाड़ी इससे हो जाती है लॉक इसको आप दबाते हो भाई इससे आपकी गाड़ी हो जाती है अनलॉक एंड यार आप देखते हो और भी इसके बड़े देखने बोलते हैं इससे आपका जो बूट है वो लाइक ओपन क्या मतलब रिलीज नहीं होता सिर्फ ओपन होता है इसको आप दबाते हो होल्ड तो इससे आपकी गाड़ी भाई मतलब आवाज़ करने लगती है हॉन्ग करने लगती है पी 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 जो आवाज़ है वो ये गाड़ी आपकी करने लगती है। 23 का जो मॉडल है आपका इसके अंदर भाई अब क्या सीन हुआ है ना कि ये गाड़ी है तो वही मगर कहीं ना कहीं आपको जब अंदर एक एम्बियंस फील होता है ना आप बता नहीं पाओगे कि 22 में 23 में क्या अंतर है। आप देखते हो भाई आपको यहाँ पे i20 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है DRL ऊपर देखने को मिल जाता है हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर आपको यही है LED मिलता है वाइट लाइट के साथ इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नीचे आपको भाई फॉग लैंप की हाउसिंग देखने को मिलती है इन द पियानो टचेस लुक्स गुड पियानो के टचेस आपके पूरे ये आपका प्रोजेक्टर फॉग लैंप इसका देखने को मिलता है एंड आपकी स्किड प्लेट जो आती है नीचे गाड़ी की ये आपकी ब्लैक पियानो की स्किड प्लेट इसके यहाँ लग के आती है लुक्स गुड बढ़िया लगती है यहाँ पर ही आपको देख रहे हो कैसे मतलब बाहर से निकला हुआ अच्छा लगता है। ये जिसकी जो ग्रिल आती है भाई ये आप चाहे बेस मॉडल ले लो चाहे इसका बीच का ले लो कोई मॉडल ले लो उसके अंदर आपको भाई यही ऐसी ग्रिल देखने को मिलती है Hyundai का बड़ा सा लोगो एंड आपको देखते हो बॉडी पे कट्स एंड क्रीजेस जो इसके अंदर कैरेक्टर लाइंस हैं हुड पे कितनी ज़्यादा देखने को आपको इसके अंदर मिल जाती हैं और VMs इसके अंडे जैसे लगते हैं पास आता हूँ तो खुल जाते हैं दूर जाऊँगा तो भाई आपके अपने आप फोल्ड हो जाएंगे ऑटो फोल्डिंग मिलते हैं वेलकम फीचर कहते हैं इसको हम गाड़ी के पास आते हैं अपने आप खुलते हैं दूर जाते हैं तो अपने आप बंद हो जाते हैं देखना मेरे हाथ यहाँ पर है और आप देखना अपने आप बंद हो जाएगा ये देख रहे हो बंद हो गया और वेलकम फीचर रेंज में आओ अपने आप खुल जाएगा यहाँ से दबाओगे गाड़ी आपकी यहाँ से हो जाएगी अनलॉक। अंदर के ट्रिम की बात भी करते हो तो बोस का सिस्टम आपका इसके अंदर आता है रोज़ गोल्ड के इंसर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं पावर विंडो ऑटो डाउन एंड ऑटो अप ओनली फॉर द ड्राइवर 2 ट्विटर मिलते हैं 4 स्पीकर मिलते हैं एंड 1 रियर में सबवूफर आपको मिलता है इसके अंदर और को ओपन करता हूँ यहाँ से आप देखते हो अपहोल्स्ट्री वगैरह की बात करते हो फैब्रिक ही आपको देखने को मिलता है इसके अंदर एक दिस इज़ द फैब्रिक फैब्रिक ही है कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है आप इसको करते हो बंद यहाँ से एक बार में आपकी ये बंद हो जाती है यहाँ से आपका भाई ये वाला डोर बंद बढ़िया एक्सपीरियंस i20 Hyundai i20 ड्राइविंग एक्सपीरियंस सब चीज़ लिखी हुई है आप एलॉय वगैरह देखते हो सब चीज़ शानदार है पूरी बात करते हैं। फ्रंट के अंदर डिस्क मिलता है रियर में आपको भाई ड्रम ब्रेक की गाड़ी ऑफर करती है यहाँ पे आपको देखो डायमंड का डिज़ाइन देखने को मिलता है 195/55R16 16 इंच का आपका एलॉय इसके अंदर देखने को मिलता है फॉग लैंप के अंदर आपको येलो लाइट ही देखने को मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है जो कि आपकी 82 PS की पावर देता है 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क हुड आपका यहाँ से ओपन होता है एंड भाई खासियत क्या है ना इस गाड़ी की जो फ्यूल लिड है वो आपकी पीछे से ही ओपन क्लोज हो जाती है उसमें कोई दिक्कत फील नहीं होती है। हुड को एक बार ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे आप आते हो यहाँ से आप देखते हो ये हल्का है लाइट वेट है भाई i20 तो मैंने रखी हुई है सेम मॉडल रखा हुआ है मेरा आस्था था ये आस्था ऑप्शनल है आप देखते हो ये आपका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है ABS मॉड्यूल आपका वहाँ पर है ECM जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूज बॉक्स ये रहा बैटरी ये रही एयर इंटेक वगैरह ये रहा रेडिएटर के लिए यहाँ से कूलेंट वगैरह आपका प्रॉपर सब चीज़ देख रहे हो क्या सही सब किताब है मतलब अच्छा इंजन है वाइब्रेशन फ्री है नॉइज़ नहीं करता बंद करते हो एक बार में यहाँ से बंद हो जाता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह इसके मिलते हैं वाइपर्स ऑटोमेटिक आपके इस गाड़ी में नहीं आते साइड की जो आपकी साइड बीडिंग है नीचे वाली इसको रनिंग बोर्ड हम लोग कहते हैं रनिंग बोर्ड के अंदर आपका यहाँ पे i20 लिखा रहता है देख रहे हो क्या सही लुक निकल के आता है ना बढ़िया लगती है यार 195/55R16 का आपका टायर है उसके अंदर डिसेंट लगता है ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको आ गया यहाँ पे लाइक सनरूफ इसमें देखने को मिल जाती है पैनोरामिक नहीं बट हाँ इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको ये गाड़ी ऑफर करती है क्रोम डोर हैंडल आपको टॉप मॉडल है बिकॉज आस्था में भी क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं आपको आस्था ऑप्शन में भी क्रोम डोर हैंडल देखने को मिलते हैं यहाँ पे दबाते हो आपका यहाँ से पेट्रोल यहाँ पे डलता है इसके अंदर पेट्रोल की टंकी यहीं से क्लोज यहीं से ओपन वो चीज़ ना यहीं से मिलती है आपको i20 की ब्रांडिंग अंदर देख रहे हो क्या सही से लिखा हुआ है बढ़िया लगता है भाई इसके अंदर आपकी 37 लीटर्स की पेट्रोल की टंकी आती है यहाँ से आपको 37 लीटर का पेट्रोल की टंकी मिलती है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है भाई मतलब 170 mm इज डिसेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है मैं ज़्यादा लाइक इंक्रीज नहीं कहूँगा ज़्यादा उठी हुई तो नहीं है भाई ये गाड़ी
गांव देहात में अगर ज़्यादा कहीं लेके जाओगे तो लगने की टेंशन रहती है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर वगैरह कुछ आप भी इसको लाइक देखने में नहीं मिलता है आपको उसके अंदर। यहाँ पे आपका फाइबर का पार्ट है, यहाँ पे क्रोम लगा हुआ, पूरी विंडो की जो बीडिंग है आपकी लोअर बीडिंग पूरा क्रोम आता है। डिफॉगर लाइन दे रहे हैं, हाई स्टॉप लाइन बेरा वाइपर आप कह रहे हैं ना, आपका वॉशर फ्लूड यहाँ से निकलता है, शार्क फिन एंटेना आपका वहाँ पे प्लेस है। बड़ा सा एक ह्यूंडई का लोगो, एक डिसेंट साइज का है, पूरी क्रोम की पट्टी देख रहे हो, क्रोम की पट्टी पूरी आती है। एंड इसके यहाँ जेड शेप, यहाँ से ऐसे जेड शेप्ड आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। इसके i20 की ब्रांडिंग, आस्था की ब्रांडिंग है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड नीचे की जो स्किड प्लेट है बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। पियानो ब्लैक का पूरा लुक है इसके अंदर, 1, 2, 3 तीन हिस्से कटे हुए हैं, रिफ्लेक्टर वहीं पे आते हैं, दो पार्किंग सेंसर एक इधर है एक उधर है एंड कैमरा आपका यहाँ पर इसके अंदर लग के आता है पूरा। यहाँ पे आपका कैमरा लगा हुआ है, HSRP इसके लगी हुई है आपकी। इसको ओपन करना है आपको, बूट को, बूट आपका यहाँ से एक बार में ओपन हो जाता है। अब देखते हो इसका लाइक, यहाँ पे बोस का सबवूफर रखा हुआ है इसके अंदर एंड यहाँ पे आपका थोड़ा सामान वगैरह रखा हुआ है, इसके कालीन वगैरह रखे हुए हैं, डिसेंट है ये आपके पूरे भाई, फ्लेक्स वगैरह रखे हुए हैं। तो यार बूट इज एडिक्वेट साइज, डिसेंट। यहाँ पे आप देखते हो भाई इसके आपको फैब्रिक की ही सीट्स देखने को मिलती हैं, लेदर लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलता। आपके जो कुशनिंग वगैरह है ना इसके अंदर भाई, आई वुड से बेटर है, मतलब अच्छी लगती है। i20 का जो मेरी वाली भाई उसके सीट कवर डलवाई मैंने, वो बढ़िया लगता था। बूट यार ठीक ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं कहूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगा, बट हाँ एडिक्वेट साइज़ का अच्छा बूट है आपको। प्रोफाइल क्या गदर की प्रोफाइल लगती है इस गाड़ी की, बढ़िया लगती है। सीएट का आपका टायर के आता है एंड भाई एक बार आप अंदर बैठते हैं गाड़ी के, कैसी फील होती है। हाइट एडजस्टेबल सीट मैनुअली, यहाँ से एडजस्ट, यहाँ से नीचे, यहाँ से रिक्लाइन एंगल को चेंज कर सकते हो। पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के लिए ये रहा आपको यहाँ से इसको लॉक अनलॉक, ओवरवीएम कंट्रोल ये रहा है एंड फोल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे दबाते हो ओवरवीएम फोल्ड, दोबारा दबाते हो आपके ओवरवीएम अनफोल्ड यहाँ से। तो भाई गाड़ी एक बार अंदर बैठता हूँ मैं एंड अब जैसे ही अंदर बैठते हो क्या फील है यार, तो i20 तो भाई हमने रख ली भाई, i20 गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। यहाँ पे एक बार आपका पुश बटन भाई इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने मिलता है, यहाँ पे आपका पुश बटन आता है ये है, यहाँ पे आप प्रेस करते हो। इसका डिजिटल क्लस्टर आपका आता है पूरा जैसा वरना वाला आता है ना, बट ये ऑन नहीं होगा अभी बिकॉज इसका जो फ्यूज़ है वो निकला हुआ है अभी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई क्या सही है ना, बढ़िया हिसाब किताब है। ये उठता है आपका स्टीयरिंग, यहाँ से आपको भाई टेलीफोनिक कंट्रोल यहाँ देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देखते हो पूरा इसके अंदर भाई आपका जो क्रूज कंट्रोल वगैरह है पूरा MID वगैरह वो यहीं से कंट्रोल होती है आपकी एंड आपका स्क्रीन बड़ी वाली इसके लग के आती है। आपका इसके अंदर भाई ब्लू लिंक के फीचर आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि क्या है, ओपन सनरूफ, थोड़ा लेट काम करता है ओपनिंग द सनरूफ, तो आपकी सनरूफ वॉइस कमांड से ही खुल गई, बट हाँ काम करता है, ब्लूलिंग वर्क्स फाइन। यहाँ से और बैक चली जाएगी, इससे बैक नहीं जाती, सनरूफ इज डिसेंट। यहाँ से आप इसको बंद करते हो एक बार में, लैम्स आपको पीली लाइट ही देखने मिलती है, भी पीली लाइट है। सनग्लास होल्डर आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ की बात करते हो तो भाई आपको टिकट होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड इधर देखते हो आपको मिरर देखने को मिल जाता है। SOS वगैरह के बटन, RSA का बटन है, ब्लूलिंग का बटन आपका ये रहा, ऑटो डिमिंग आपको इसके अंदर मिरर देखने को मिलता है, दिस इज ऑटो डिमिंग इन साइड रियर व्यू। ऑटो डिमिंग आपका रात के टाइम में थोड़ा सा कम करता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आता है आपका ये। बड़ा सा टच स्क्रीन आता है, आपका नेविगेशन पहले से ही आता है फ्रॉम Hyundai, छोटा वाला था मेरी आस्था के अंदर आपको ना छोटी स्क्रीन मिलती है, तीन बटन इधर मिलते हैं, बटन इधर मिलते हैं, तो वो छोटी स्क्रीन आती है इसके अंदर आपका, मगर इसके यार सही काम करता है। मैप खोलूं, ये देखो मैप आपका यहाँ से ओपन, क्या 3D सा मैप बन के आ रहा है ना, पूरा अच्छा लग रहा है। 3D में टच करते हैं, यहाँ से 2D, यहाँ से 3D, बढ़िया ये 3D आपका बन के आ गया। जूम करते हो, अरविंद Hyundai पे है तो आप देख पा रहे हो पूरा MD कॉलेज वगैरह, वो सब चीज़ सही है। मतलब स्क्रीन थोड़ी सी गर्म हो रही है अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट है ना, तो वो सब चीज़ें ना डिसेंट का। यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से आपका बंद हो जाता है, यहाँ से आप दोबारा दबाते हैं, यहाँ से आपका चालू हो जाता है एंड वॉल्यूम नारीड स्कूल चलिए तो गाने वाने बज रहे हैं आपके। इसके अंदर एयरबैग की बात करते हो, आपके 6 एयरबैग्स आते हैं इसके अंदर, एक एरा कर्टेन एयरबैग एंड सीट के अंदर भी आपके एयरबैग्स को देखने को मिल जाते हैं। अपोल्स्ट्री की बात करते हो, ये देखो यार सही है, मतलब अच्छी है, फैब्रिक तो नहीं है बट हार्ड फोम है अच्छा खासा एंड कुछ विनाइल टाइप सा आपको कपड़ा यहाँ देखने को मिलता है इसके अंदर। बोस के स्पीकर आपके, वो रेटूटर आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं, बड़ी आईडी सेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टीयरिंग पे आपको सैटिन के टचेस देता है, रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है, फ्लैट बॉटम नहीं आता, 5 गियर 1 रिवर्स, जैसे ही रिवर्स डालते हो यहाँ से आपका रिवर्स एंगेज हुआ, ये आप देख रहे हो। कैमरा कैसा ही, अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको इसके यहाँ देखने को मिल जाती है, डिसेंट लगता है। यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल का चार्जर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग क्लियर है, USB क्लियर है, पावर चार्जिंग यहीं से होती है आपकी। यहाँ पे आपका इसके अंदर अलग क्या है देख रहे हो, ऑक्सी बूस्ट आपका एयर प्योरीफायर इसके डल के आता है, डिसेंट सा एक छोटा सा आपको जगह मिलती है, मगर क्या है यार ये प्योरीफायर है ना आपका यार, ये 2 कप होल्डर्स की जगह आती है, एक की खा जाता है, एक के अंदर ही बैठता है, पूरा फिटमेंट इसका वहीं से है। यहाँ पे आप देखते हो इसके अंदर आपका कूल ग्लव बॉक्स आता है, लैंप नहीं आता है, इसके यहाँ आपका ब्रोशर वगैरह रखे होगा, i20 का ब्रोशर है पूरा, यहाँ से ये बंद हो जाएगा ना, अच्छा सा फील है भाई डैश का, बढ़िया लगता है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ऐसे करके, देख रहे हो ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऊपर से सनरूफ वगैरह होगी, पूरी ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिल जाता है, इधर आपको ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलता। टचेस की बात
देख रहे हो बॉडी कलर साइड लाइक एक अलग सा ही पेंट सा है, ग्लॉस सा, हाई ग्लॉस सा बढ़िया लगता है देखने के अंदर। एमिनेंट लाइट आपकी इस गाड़ी के अंदर आती है, नीली कलर की लाइट आती है, येलो वो सॉरी ब्लू ब्लू कलर की लाइट आती है। रात के टाइम आपकी वो ऑन हो जाएगी, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इसके देखने को मिल जाते हैं, फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, डिसेंट है, बढ़िया है, पैनल वगैरह सब चीज़ चकाचक है, प्रॉपर है। अब एक बार भाई गाड़ी के बैक सीट पर चल के बात करते हैं क्या चीज़ कैसे मिलती है। तो यहाँ से इसको करता हूँ ओपन एंड अब बैक सीट पर चलते हैं एक बार। अब आप देखो यहाँ से आपका ये हो जाएगा बंद, अब ये खोलते हैं भाई, पीछे बैठते हैं एक बार। यहाँ पे आप बैठोगे जैसे ही, ये देखो आप, आपका स्लाइडिंग आर्मरेस्ट इसके अंदर आता है, आपको नीचे भाई यूएसबी का पॉइंट मिल जाता है, लाइक यूएसबी है, मोबाइल वगैरह यहाँ डाल दो आप, दो एसी के वेंट मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, बोस वोरा एंड बोस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ब्रांडिंग पूरी मिलती है, अच्छा खासा कंट्रोल है, बढ़िया लग रहा है, पावर विंडो मतलब वर्क्स फाइन, डिसेंट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बंद करना है यहाँ से आपका एक बार पे पल्ला बंद, थोड़ा सा हल्का पल्ला फील होता है, एयरबैग की ब्रांडिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको उसके यहाँ देखने को मिलती है। तो मोटे मोटे चार पाँच ही अंतर है जो आपको आस्था और आस्था ऑप्शनल में देखने को लाइक नहीं मिलता, मतलब आस्था ऑप्शनल में थोड़े फीचर पाँच फीचर ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो मैं पूरा बता दें आपको क्या भाई, इसके अंदर आपके छः एयरबैग्स हैं, इसके यहाँ एयर प्योरीफायर आता है, स्क्रीन बड़ी आ जाती है इसके अंदर आपकी, आपका इसके अंदर भाई उस तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ जाता है, आपका रियर व्यू मॉनिटर का बटन, ये चार पाँच चीज़ अगर आप हटा दोगे तो आस्था इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आई वुड से। अगर थोड़ा सा अगर सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए, वो उसका सिस्टम नहीं चाहिए, तो भाई उससे नीचे वाले में आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, दैट इज गुड। तो यार रियर सीट कंफर्ट इज फाइन, i20 हम बैठे हुए हैं पहले, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स नहीं मिल रहा है, हार्ड सा गत्ता लगा दिया, मतलब स्कॉर्पियो क्लासिक जैसे बट हार्ड है, अच्छा खासा हार्ड आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको लैंप की बात करते हो, पीली लाइट मिलती है यहाँ पे आपको, डिसेंट देख रहे हो कैसा मिलता है आपको, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको ये हैंडल भी लाइक बढ़िया मिलते हैं। तो यार मेरी तरफ से भाई गाड़ी इज ओके, टिप टॉप, टॉप नॉच, कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम फील होती है, बलिनो वगैरह आप देखते हो ना तो दे आर ऑल्सो गुड, बट आई वुड से कंसिडर i20, ये भी गाड़ी बढ़िया है यार, मैं रखी हुई है, थोड़ा सा माइलेज में कहीं ना कहीं मात खाती है, बट इट्स अ गुड कार। तो दैट्स इट यार, अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।